Hey guys, welcome back to my channel. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत different video लेकर आई हूँ. जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक makeup look share कर रही हूँ जिसमें office going girls के लिए, women's हो या girls हो, उनको बहुत helpful रहेगा अगर वो इस तरीके से makeup करेंगे. तो उनका जो makeup है वो सुबह से शाम तक दस की मस नहीं होने वाला है. सो इस method को follow कीजिए और अपना makeup एक बार ज़रूर करके देखिए. और हाँ, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं है, बिकॉज क्या है कि हर कोई इतना हैवी मेकअप करके नहीं जाता है ऑफिस. दैट्स वाई मैंने बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है. सो आप लोग इससे ज़रूर देखिए और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे लिप बाम. लिप बाम अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही लगा लें तो लास्ट में जब हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं या हम लिप ग्लॉस कुछ भी लगाएंगे, तब तक हमारे जो लिप्स हैं पूरा मेकअप करने तक हमारे लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे और स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएंगे. मैंने एनिविया का यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे टोनर. टोनर के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का. आप किसी भी अदर ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको पैसे नहीं खर्च करना हो तो सबसे अच्छा इसके लिए अल्टरनेटिव है जो मैंने घर पर रोज़ वाटर बनाया हुआ था, होममेड रोज़ वाटर, उसे भी आप एज ए टोनर अप्लाई कर सकते हो. और अगर आप चाहो तो मैं उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लें. जैसे ही आप टोनर अप्लाई करते हो उसके बाद एक से दो मिनट तक उसे सूखने के लिए छोड़ दें. करेंगे मॉइस्चराइज़र. यह मॉइस्चराइज़र मैंने निविया का अप्लाई किया है, आप किसी भी अदर ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. मॉइस्चराइज़र क्या करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है दिन भर के लिए. और ड्राई स्किन वाले तो बिल्कुल भी स्किप ना करें मॉइस्चराइज़र तो ही अच्छा है, ताकि आपकी जो स्किन है वो दिन भर मॉइस्चराइज रहे और हेल्दी दिखे, प्लस आपकी स्किन ग्लोई दिखे. हम लोग यूज़ करेंगे प्राइमर. प्राइमर के लिए मैंने यहाँ एनवाइक्स का यूज़ किया है. आप चाहो तो मैंने जो होममेड प्राइमर बनाना आपको बताया था, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही बेस्ट है. देन प्राइमर क्या करता है कि हमारे फेस पर एक अच्छी सी लेयर बना देता है. उससे क्या होता है कि हमारे ओपन पोर्स भी क्लोज हो जाते हैं. देन उसे यूज़ करने के बाद आप लोग देखोगे कि आपके स्किन पर जो आपका मेकअप है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्लाइड हो जाता है, कहीं भी बिल्कुल पची या केकी नज़र नहीं आता है. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग लेंगे, इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे बीबी क्रीम. यह मैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ. क्या है कि हर कोई फाउंडेशन यूज़ करना प्रेफर नहीं करता है. सो अगर आप लोग ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप फाउंडेशन स्किप करते हो तो. ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बीबी क्रीम का, पॉन्ड्स का. इसका जो कवरेज है वो बहुत अच्छा मिलता है डेली यूज़ के लिए, तो बहुत ही अच्छा कवरेज मिलता है. और बहुत ज़्यादा इसके बाद आपका जो फेस है वो ब्लैक भी नहीं होता. कई फाउंडेशंस होते हैं जिसे हम लगा लेते हैं उसके बाद बहुत ही ब्लैक सा हो जाता है, बट इसके बाद ऐसा नहीं होता है. आप लोग मेरा जो फेस है इसको यूज़ करने के बाद बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये जो बीबी क्रीम है ये कितने अच्छे से कवरेज देता है, और हल्का सा एक शाइन भी मिलती है इसे यूज़ करने के बाद. देख सकते हो बीबी क्रीम का कितना अच्छा कवरेज मिला है. देन बीबी क्रीम को सेट करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर मैबलिन का. आप लोग किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो. कॉम्पैक्ट पाउडर हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो बीबी क्रीम है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए, और बाद में जो क्या है कि शाम तक हमारा जो फाउंडेशन और बीबी क्रीम्स होते हैं वो बिल्कुल पैची से, केकी से और बहुत ही उस पर लाइन सी बनी हुई दिखती है. सो अगर आप लोग उसे तुरंत सेट कर लोगे फाउंडेशन या बीबी क्रीम को, तो उसके ऊपर क्रीज लाइंस या कोई भी पैची स्पॉट्स नहीं आएंगे. यूज़ करेंगे आईब्रो पेंसिल. आईब्रो पेंसिल के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 21 की आईब्रो पेंसिल. ये ब्राउन कलर में है और मुझे तो ब्राउन कलर में ही ज़्यादा पसंद है. ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज़ क्या है कि ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा ही वो दिक्कत आती है, इस वजह से मैं नहीं यूज़ करती हूँ. और अगर आप लोग ये वाली आईब्रो पेंसिल लेना चाह रहे हो तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी, ये बहुत ही अच्छी आईब्रो पेंसिल है, इसे ज़रूर एक बार यूज़ करके देखें. देन गाइज, नेक्स्ट हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे काजल. काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉलोसिल का काजल. ये बहुत ही प्यारा काजल है, मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है. ये बिल्कुल जेड ब्लैक है. सो मैं तो
यही यूज़ करती हूँ। आप कोई और भी जो आपको पसंद है वो वाला काजल यूज़ कर सकते हो। लास्ट में हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं लैक्मे एब्सोल्यूट का प्लम एंड शाइन। ये लिप ग्लॉस काइंड ऑफ है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छी शिमर भी आती है इसे यूज़ करने के बाद, और बहुत अच्छी शाइन भी लगती है। और आप चाहो तो कोई लाइट सी लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों को पसंद है तो। मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैंने यही यूज़ किया है। देख सकते हो मेरा मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप हेयर स्टाइल आप लोगों को जैसी पसंद है वैसी कर सकते हो। सो यही था आज का मेरा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।